नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नई वीडियो के साथ। अगर आप लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। इस वीडियो में हम लोग एम्स भुवनेश्वर के बारे में बात करेंगे, जहां पर आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं घर बैठे ही, बहुत ही आसान तरीके से। तो आइए चलते हैं स्क्रीन में। आपको सबसे पहले गूगल खोलना है। गूगल में आप ORS लिखेंगे, ORS ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, आप इसको क्लिक करेंगे। ORS खुलने के बाद ORS पेशेंट पोर्टल, नहीं तो एक ORS ये भी खुल जाएगा, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, जो लूज मोशन वगैरह हो जाता है उसमें खाते हैं, मगर ये खोलना मुझे ORS पेशेंट पोर्टल। आप इसमें क्लिक करेंगे। इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पे ब्लू कलर का है बुक अपॉइंटमेंट, आप इसमें क्लिक करेंगे। बुक अपॉइंटमेंट करने के बाद आप ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ये गवर्नमेंट वेबसाइट है, आप यहाँ पे चले आएंगे। स्टेट है एम्स है, यहाँ से आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल या इंडिया के एम्स, जितने भी एम्स हैं, आप किसी में भी आप एडमिशन ले सकते हैं किसी भी ट्रीटमेंट के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एम्स भुवनेश्वर में किस तरह ट्रीटमेंट कराना है और एडमिशन लेना है। एम्स में जाएंगे, आप यहाँ पे सर्च करेंगे भुवनेश्वर किधर है, एम्स भुवनेश्वर ओडिशा, आप क्लिक करेंगे। इसमें क्लिक करने के बाद अपॉइंटमेंट, न्यू अपॉइंटमेंट, यहाँ पे ये सारे डिपार्टमेंट में है भुवनेश्वर में, आप किसी भी एक डिपार्टमेंट में, आपको जिसमें ज़रूरी है, आपको जिस डिपार्टमेंट, आपको अगर हर्ट से रिलेटेड है तो हार्ट में आप देख सकते हैं, अभी सीट खाली नहीं है। आपको ये एरो है, अगर ग्रीन कलर का जहाँ रहेगा सिग्नल वहाँ, मतलब सीट खाली है अभी, जैसे नॉट अवेलेबल है। अभी यहाँ एरो में क्लिक करेंगे, ये वाला आगे बढ़ेगा कैलेंडर, तो इसमें एरर ओकर हो रहा है, मतलब इस डिपार्टमेंट में नहीं हो रहा है एडमिशन अभी ऑनलाइन। तो दूसरे डिपार्टमेंट में अगर आपको नहीं हो रहा तो आपको डायरेक्ट OPD में सुबह में लाइन लगा कर आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। अब नहीं तो हम दूसरे विभाग में एडमिशन करके देख एक बार करते हैं ट्रीटमेंट, जैसे स्किन वाले में कर रहे हैं, इसमें भी खाली नहीं है, इसमें भी एरर ओकर हो रहा है। देखता हूँ न्यूरोलॉजी में, देखता हूँ इसमें भी नहीं है, न्यूरो सर्जरी में, इसमें भी नहीं है, इसमें है। तो इस तरह से अगर जिस डिपार्टमेंट में भी आपको मिलेगा, अगर पॉसिबल है ऑनलाइन अपॉइंटमेंट का, आप देख लें। जैसे मैं अभी न्यूरो सर्जरी में किया तो अपॉइंटमेंट हो रही है, इसमें फ्यू स्लॉट अवेलेबल, ये सब अक्टूबर में मिल रहा है, इधर सितंबर में नहीं है, अक्टूबर में आपको मिल रहा है अपॉइंटमेंट न्यूरो सर्जरी में। मैं दिखा रहा हूँ किस तरह अपॉइंटमेंट लेना है। जैसे आप 6 अक्टूबर को आप लेना चाहते हैं तो आप क्लिक करेंगे 6 अक्टूबर में, कंफर्म करेंगे। करने के बाद आप यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना देंगे, आप अपना मोबाइल नंबर क्लिक करेंगे और लिखेंगे यहाँ आई एम नॉट ए रोबोट। करने के बाद ये क्लियर आएगा कार्स, जिस भी पिक्चर में कार से उसे आप सेलेक्ट करेंगे। इसमें कार दिख रहा है, ये सब पिक्चर में कार दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा, इसमें दिख रहा है कार। वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई हो गया आई एम नॉट ए रोबोट। अगर नहीं होगा तो फिर दोबारा से कुछ और भी आएगा, इसमें आप गेट OTP करेंगे। OTP करने के बाद जिस तरह की मैसेज मुझे आ गया, आप लॉगिन करेंगे।
लॉग इन करने के बाद आप यहाँ पे रजिस्टर मेंबर करना है, आप डिटेल्स वगैरह, यू कैन रजिस्टर 6 मेंबर, एक मोबाइल नंबर में आप 6, आपको यहाँ पे आप अपना एड्रेस सेलेक्ट करेंगे, आप अगर भुवनेश्वर के हैं तो भुवनेश्वर ओडिशा यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, अगर आप किसी दूसरे स्टेट के हैं तो आप ओडिशा यहाँ पे है ओडिशा सेलेक्ट करेंगे, आप किसी दूसरे स्टेट के हैं तो दूसरे स्टेट के सेलेक्ट करेंगे। डू यू हैव आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, नो कर देना है, अगर है तो यस करना है, नहीं है मेरे पास तो मैंने ये कर, यू हैव आईडी, नहीं है, नो करके उसके बाद ये वाला आप लोग खुद से करेंगे, ये इनिशियल फर्स्ट नेम मिडिल नेम जो भी पेशेंट जिन्हें भी आपको दिखाना है वहाँ पे एडमिशन लेना, आप अपना पूरा डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करेंगे, नाम है यहाँ पे किसी का, नाम मिडिल नेम लास्ट नेम डेट ऑफ बर्थ कौन से ईयर में आप डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर मोबाइल नंबर रिलेशन ये सब डिटेल फिल करके आपको सबमिट करना है और कोई ज़्यादा प्रोसेस नहीं है। इसके बाद आपका पेमेंट गेटवे आ जाएगा, उसके बाद आपको 10 रुपीज़ आप पेमेंट कर देंगे और आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। आप एडमिशन कराने के बाद आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है मोबाइल में या इसका फ़ोटो खींच के रखना है, एक UHID नंबर मिलेगा आपको उसे सेव कर कर रखना है फॉर फर्दर, आप जब भी जाएंगे वहाँ पे काउंटर में आप ये OPD काउंटर में इसे आप दिखाएंगे UHID नंबर, अगर आप गुम कर दिए आपको पता नहीं है डिलीट हो गया तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, फिर से आपको नया एडमिशन कराना पड़ेगा, तो आप इसे संभाल कर रखेंगे और वहाँ पर जाकर एडमिशन करा लेंगे, और जिस भी विभाग में खाली रहेगा आपको मिल जाएगी, अगर किसी किसी विभाग में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है तो आप वहाँ डायरेक्ट जाकर भी करा सकते हैं वहाँ से पूछ कर। तो हम लोग वीडियो को अंत करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ आप लोग चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कुछ भी प्रॉब्लम हो और भी मेरे चैनल में और अदर हॉस्पिटल रिलेटेड कोई ट्रीटमेंट रिलेटेड किया बीमारी रिलेटेड इलनेस और भी कोई डिजीज़ है उससे रिलेटेड मैं वीडियो और भी डाल चुका हूँ, ठीक है, आप लोग को कोई दिक्कत हो कमेंट करेंगे, प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, सपोर्ट करें, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।